उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि फुला बादशाह की आत्मा आ गई। मुख्यमंत्री आप क्या आत्माओं के एक्सपर्ट हैं? फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बताओ उत्तर प्रदेश के युवा जो गवर्नमेंट की नौकरी का इम्तिहान लिख रहे थे, वो पेपर क्या गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ प्रधानमंत्री, आप वारिस कहते हैं ना, क्या विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं कहा था कि चुट्टा जानवर को मैं कंट्रोल करूंगा? मेरी बात का यकीन करो मोदी जी, आप तो दिल्ली में आराम से बैठे, चुट्टा जानवर पूरी खेतों को खाकर बर्बाद कर रहा है। कहां गया इनकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। ये बीजेपी कह रही है 400 पार, आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है कि 400 पार दो, हम और इबादत गाहें छीन लेंगे। बताओ मोदी जी, ये आपका एजेंडा है? 400 पार की बात बीजेपी करती है, मगर क्या पेट्रोल 100 पार नहीं हुआ? पेट्रोल 100 पार हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को उसकी फिक्र नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री को उसकी कोई फिक्र नहीं है। और ये बात याद रख लीजिए आप, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान को खतरा है। और क्या है, कैसे बताता हूं मैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, क्या उन्होंने अपने कई भाषणों में नहीं कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? जब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो चैप्टर 3 कहां रहेगा? फंडामेंटल राइट्स कहां पर रहेंगे? आर्टिकल 15 और 16 कहां पर रहेगा? भारत के आईन की दफा 29 और 30 कहां पर रहेगी? 14 कहां पर रहेगा? आज बीजेपी प्रधानमंत्री बोलते नहीं नहीं, यकीनन 400 पार का मतलब यह होगा। मोदी जी क्या कहते हैं कि किसी और का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा? मोदी जी, आपने जो दलित समाज को, पिछड़ा समाज को धोखा दिया, किसी ने नहीं दिया होगा। जिस देश की आबादी 80% है, 80% आबादी को मोदी जी ने कह दिया कि तुम्हारे लिए 28% रिजर्वेशन है, जिस देश की आबादी में उन लोगों का हिस्सा 20% है, मोदी ने कहा कि मैं तुमको 10% आरक्षण दूंगा। मोदी जी, उस 10% में दलित नहीं जा सकता, आदिवासी नहीं जा सकता, तो बताओ आपने किसके लिए किया ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हम देश के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप हमको बता दीजिए कि क्या आप आरक्षण रखेंगे या हटाएंगे? देश जानना चाहता है मोदी जी, क्या आप फंडामेंटल राइट को रखेंगे या हट निकाल देंगे? क्या आप आर्टिकल 29 और 30 को रखेंगे या हटाएंगे? क्या आप पार्लियामानी सिस्टम को खत्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को लेकर आएंगे? बताइए, क्या आप प्रदेशों के, उनके अख्तियारात, उनके पावर्स को लेकर क्या अपने आप को नहीं देंगे? आप बताइए। ये हमारे सवालात हैं बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, और उनको जवाब देना पड़ेगा। खुलकर कह रहे हैं सब लोग, राजस्थान के बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला कह रही है मोहतरमा कि 400 दिए तो हम आरक्षण को हटा देंगे, संविधान को बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान की डिप्टी सीएम कह रही है, कई इनके लीडर कह रहे हैं। तो याद रखिए, ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है। वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वादे किए, लंबी लंबी छोड़ी, मगर कुछ काम नहीं किया। और एक मर्तबा नरेंद्र मोदी सऊदी अरब भी गए थे,
सऊदी अरब गए तो वहां पर उनको एक तोप नजर आई, तोप, तो मोदी जी ने तोप को बड़े गौर से देखा, उसके तरफ फिरा। वहां पर एक सऊदी का शेख था, नरेंद्र मोदी ने उससे पूछा, ये हबीबी ये कितना दूर फेंकती? तो शेख ने कहा, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। मोदी जी दिल पर मत लीजिए, लाइटर वैन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, किसी और चीज पर ले लीजिए, गुर्दे पर ले लीजिए। लंबी 15 लाख, मैं सेवक हूं, मैं फकीर हूं, मेरा क्या है, मैं झोला लेके चले जाऊंगा। मोदी जी ये कब तक डायलॉगबाजी चलते रहेगी? भारत की राजनीति में आपने अल्पसंख्यक समाज को क्या दिया हमको बताओ? बीजेपी बोलती है पिछड़ा पिछड़ा, यहां की फैक्ट्री को क्यों नहीं खुलाया मोदी जी आपने, बुनकर समाज के हमारे अंसारी भाइयों की। मोदी जी बनारस के एमपी हैं, पूरे अंसारी देख लो आप, बुनकरों के बच्चे मुंबई को चले गए। बिजली का बिल बाप के नाम से बेटे के नाम पर तब्दील नहीं होता। मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो बनारस की सिल्क का बना हुआ कपड़ा देते हैं, मगर ये नहीं बोलते कि इसका सेठ को अंसारी नहीं बन सकता। मोदी जी ये नहीं बताते आपको कि अल्पसंख्यक समाज का स्कॉलरशिप का पैसा इन्होंने कम करके रख दिया, और कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को, ये सन्नाटा है तुम्हारे नाम का, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है, सब सन्नाटा है। जब तुम्हारा नाम आता है तो कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। अब देख लो तुम कि कोई बाजू खड़ा करके फोटो लेने को भी तैयार नहीं है, मगर हम क्या है, हम मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। अरे मेरे भाई रुको, ठहरो, समझो, तुम कब तक उन पर अपनी जिंदगियों को कुर्बान करते रहोगे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पर एक बार नहीं कई बार खंजर खोपा? तुम कब तक उन लोगों के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करोगे नौजवानों, जो खुद जवान हो रहे हैं और तुम जईफी की तरफ दौड़ रहे हो? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं तमाम बीजेपी, आरएसएस, समाजवादी और ये नाम निहाद चुन्नू मुन्नू जो सेकुलरिज्म के हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर नहीं जाऊंगा कभी, इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी बहन के साथ आज खड़े हैं, कल जिला परिषद का चुनाव आएगा, हम साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा, हम साथ खड़े रहेंगे। लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि 2017 में ओवैसी तुम नहीं जीते, 22 में तुम नहीं जीते। मेरे भाई, मैं जरूर जीतना चाहता हूं, मगर मैं उस दिन हारना नहीं चाहता जब सबका हिसाब किताब होगा। मैं उस दिन की कामयाबी के लिए भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो एक नेमत अल्लाह ने मुझे दी है, कहो लोगों में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे उसको बयान कर सकूं। कहो लोगों में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं मोदी अमित शाह के सामने इंसाफ की बात कर सकूं। मुझे उस दिन का डर भी है, मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर याद रखो ये मैं अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जात की कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपकी कामयाबी हो, ताकि आपको इज्जत की जिंदगी आप गुजार सके, ताकि आप आराम से नींद की रात में नींद सो की नींद हासिल कर सके, कोई बुलडोजर के डर से आपकी नींद में खलल ना पड़ जाए। मेरे भाई वो कब होगा जब आप नेता बनेंगे,
जब आप सांसद बनेंगे, जब आप लीडर बनेंगे, जब आप एमपी बनेंगे, जब आप विधायक बनेंगे, और वो उस वक्त होगा जब आप पिछड़ा समाज के साथ, दलित समाज के साथ खंधे से खंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे। यह आपने समाजवादी को दिया, ये सिर्फ अपने परिवार की बात करने वाले हैं, ये अपने परिवार की बात करने वाले हैं। कांग्रेस की बात मत करो, मेरी जबान मत खुलाओ। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। ना राष्ट्रवादी पार्टी का जो नए सेक्युलरिज्म के दूल्हे बने उद्धव ठाकरे, ना कांग्रेस एक को भी नहीं देते और मुझे गाली देते हैं ओवैसी वोट काटने आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इल्जामात की मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे मुस्तकबिल की फिक्र है कि हमारा और आपका क्या हाल होगा, हम किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। कम से कम मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, अगर तुमको मेरी बात पसंद नहीं है तो बाजू रखो, मगर अपनी औलाद को तो देखो, अपने इन बच्चों को देखो जो आने वाला कल उनका होगा। कम से कम उन बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके कल को अच्छा रखने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं। आप अपना एक एकॉर्ड का इस्तेमाल करिए। और ये लोग जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो बड़ा पुकारते फिरते हैं, मोदी ने भारत की आर्मी में अग्निवीर की स्कीम को लागू कर दिया। अगर ये दोबारा जीत कर आएंगे खुदा ना खास्ता, तो सीआरपीएफ में भी 4 साल की नौकरी होगी, सीआरपीएफ में 4 साल, बीएसएफ में 4 साल, सीआईएसएफ में 4 साल की नौकरी होगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 4 साल की नौकरी होगी। तो नौजवानों, तुम ओवैसी को गाली देते रहो कोई बात नहीं, मगर तुम ये भी तो सोच लो कि जिसके लिए तुम वोट डालने जा रहे हो वो तुमको नौकरी नहीं देगा, वो तुमको बोल देगा लड़ो मस्जिद मंदिर के नाम पर। वही फार्मूला उनके पास है, बुलडोजर को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे देखो हम इतने ताकतवर हैं। अरे बुलडोजर से कोई ताकतवर नहीं होता, इंसाफ जो करता है वो ताकतवर होता है, जो इंसाफ करता है, जो सामाजिक न्याय करता है वो ताकतवर होता है।